All of you see this? Yes. So these are electricity bills of three houses, okay, for the same, almost same period, right? And let us see how we can calculate electricity bill from here. Here, there is one column, kilowatt hour, right? So reading of meter, the previous reading and new reading, both are given. Previous, under previous, the units are 21911. This is the reading of meter that electricity board people, they take from your electricity meter. Okay, you must have seen that they come to take the reading, right? Current, current units are also written 22051. Okay, kilowatt hour is written here. You are already aware of what is 1 kilowatt hour? What is 1 kilowatt hour? Commercial unit of what? Electrical energy. It's the commercial unit of electrical energy. And what is kilowatt? What is the difference between kilowatt hour and kilowatt? Kilowatt is the unit of power and kilowatt hour is the unit of electrical energy, right? So the units consumed, subtract kariye. How many units are consumed here? कितने हुए बताइए 140 यूनिट्स कंज्यूम्ड वो भी लिखे हुए हैं यहाँ पे ठीक है अब आपने कॉस्ट ऑफ वन यूनिट से इसको मल्टीप्लाई करना राइट कॉस्ट ऑफ वन यूनिट से आप मल्टीप्लाई करोगे एंड इनका बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 960 ठीक है तो लेट अस डिवाइड 960 बाय 140 वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट और इफ वी नो द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट कितने जितने भी है 5 रुपीज हैं 7 रुपीज हैं उसको हमने 140 से अदरवाइज मल्टीप्लाई करना है और हमारा बिल आ जाएगा ठीक है अभी हम कॉस्ट ऑफ वन यूनिट निकाल सकते हैं इफ द अमाउंट इज गिवन ऑन द बिल एंड इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड आर गिवन ऑन द बिल सॉल्व करिए कितना आया पॉपी पॉइंट्स में पॉइंट्स और एक हाउस का 430 है और यूनिट्स कंज्यूम में भी पीरियड इज डिफरेंट उनका कम टाइम के लिए यूजेज यहाँ पे शो हो रही होगी 6.14 सो द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इज 6.14 तो इतने पे इतने रुपीज पर यूनिट पड़ रहा है यहाँ पे आपको सो यू विल गेट टू नो कि कितने एक यूनिट की कॉस्ट क्या है आपको एंड इफ यू नो द कॉस्ट एक्चुअली इट इज वेरिएबल ठीक है अप टू सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स द कॉस्ट इज समथिंग डिफरेंट एंड आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स द कॉस्ट इज डिफरेंट सो दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट कि आपको कितना कॉस्ट कर रहा है और वेरियस अप्लायंसेस इफ यू नो देयर पावर फ्रॉम देयर पावर रेटिंग दैट इज मेंशन ऑन द डिवाइसेस एंड इफ यू एग्जैक्टली सी फॉर हाउ मेनी आवर्स यू आर ऑपरेटिंग दोज डिवाइसेस इन अ पर्टिकुलर डे देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ योरसेल्फ राइट So next house 430 rupees is their bill and another is 170. The units consumed in one case is 24 and units consumed are previous reading is for another house 5943 and 5949. So how many units are consumed? Six units are consumed. ठीक है तो अब इसकी कॉस्ट निकालिए ठीक है कैसे हाउ विल यू कैलकुलेट बिल इसका कितना दिया हुआ है 430 ठीक है सो 430 बाय 6 चलिए सॉल्व करिए कितने रुपीज इनको कितने रुपीज पड़ा देखते हैं अगर कम यूनिट कंज्यूम हुए तो कितने रुपीज का एक यूनिट पड़ता है फिर कम अमाउंट होगा
नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड आपका ये देखो ना, जितना अमाउंट है ओवर नंबर ऑफ यूनिट। Because number of units will be total cost over cost of one unit. So cost of one unit is total bill over number of units. कितना है? 71 थोड़ी हो सकता है, 71 थोड़ी होएगा, ये 7 point हो सकता है, मेरे 7 point कुछ पड़ा होगा ये, है ना? तो मतलब कि अगर लेस यूनिट्स हैं तो ज्यादा कॉस्ट पड़ती है, इफ मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड देन मोर कॉस्ट इज इनकर्ड, राइट? तो आप लोग अब क्या करोगे, यू विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर हाउस फॉर 10 days, यू विल नोट डाउन द रीडिंग, यू विल नोट डाउन द रीडिंग ऑफ योर मीटर टूडे एंड आफ्टर 10 days अगेन यू विल नोट डाउन द रीडिंग ऑफ योर ओन मीटर, देन यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, multiply with the cost of one unit and then you will tell how much bill you have to pay for 10 days. Is that clear? चलिए अब कल का टेस्ट डिस्कस करते हैं हम। तो कल का जो टेस्ट था बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, हाउ डज स्मॉल जी वेरी विद डेप्थ था एक तो क्वेश्चन, देन सेकेंड क्वेश्चन वॉज अन न्यूमेरिकल, वेरी सिंपल, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून वॉज गिवेन, अर्थ वॉज गिवेन हाउ मच, 160 न्यूटन, फाइंड इट्स मास एंड वेट ऑन अर्थ। यूजली आपको अर्थ पे दिया होता है मून पे फाइंड करते हो, यहाँ पे मून पे दिया हुआ है अर्थ पे निकालना, ठीक है? सो लेट अस सॉल्व, टेल यू आंसर, हाउ मेनी ऑफ यू अपियर्ड फॉर द टेस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेंट द पीडीएफ, खड़े हो दो, पता लग जाए ना मुझे, आप भी जिन्होंने नहीं दिया प्लीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिट डाउन, 12 स्टूडेंट्स आउट ऑफ दोज हु आर सिटिंग हियर हैव नॉट गिवन द टेस्ट, मे नो द रीजन, हाँ जी, चलिए, द मास द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून ऑन अर्थ दैट वॉज गिवेन 160 न्यूटन, नहीं मून पे दिया हुआ, दैट वॉज ऑन मून, ठीक है? सो एम जी इज इक्वल टू 160, जी ऑन मून इज जी 10 दिया हुआ था, एम दिया हुआ था जी, नहीं दिया हुआ था, फिर आप 1.63 यूज करोगे या 9.8 डिवाइडेड बाय 6 कर लो, ठीक है? हाँ कर सकते हो, 1.63 यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो नाउ सॉल्व दिस, कितना आया था मास, चलो रहने दो, भी सॉल्व मत करो, नाउ ऑन अर्थ मास विल रिमेन सेम ऑन अर्थ ऑल्सो एंड देयर द जी, we know the value of g 9.8, okay, so this will get subtracted 960 newton, so that is 960 newton, or jo mass you calculate from here that will remain the same on earth also, okay, so this is on moon and this is on earth. Then last question, what was that? Value of capital G, Tushar will tell me. What is the value of capital G with the units? Stand up. Over? KG. Keep standing. Yes. सीधे बैठो बच्चे, सीधे. आप बताओ. केजी स्क्वायर, ठीक है, नॉट केजी, केजी स्क्वायर, अगर आपने केजी लिख दिया जैसे, एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर दैट इज करेक्ट, यू विल नॉट गेट एनी मार्क, क्योंकि एक भी चीज गलत हो गई, पर का मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर का आपने फर्स्ट पावर कर दी, द होल मीनिंग विल चेंज, इट विल नॉट मोर, इट विल नो मोर बी अ फोर्स देन, इट डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली ऑन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस,
So it won't be valid. That formula will go wrong. If you are using in F is equal to GM1 M2 over R square, if you write R, will it be valid? Your all the answers will go wrong. So same way, agar unit bhi aapne galat likha hai, kg square ka kg kar diya, bilkul wrong hai. Theek hai? So value is 6.67 into 10 raised to power minus 11 newton meter square per kg square. Capital G. Small g ki to ye abhi humne use ki, earth pe 9.8 hai, moon pe 9.8 over 6 hai. We have done differences also between small g and capital G, hai na? But so derivation now. How does g vary with depth and height? Dono articles revise karne the. Theek hai? Should I rub this? Variation in g with height, dekh lo pehle. The easier one. Height means altitude. So when we are standing on the surface of earth here, okay, this is center of earth, mass of earth is capital M, radius of earth is capital R, and we are standing at point A on the surface of earth, right? Distance between us and center of earth is equal to radius of earth right now, okay? And here acceleration due to gravity is maximum on the surface, we know that is g, suppose now equal to 9.8 meter per second square. So how can we write the formula of g here at point A? Gm upon r square. So at point A, g is gm upon r square. This is equation number one. Now we are standing here, we start going above the surface of it. Hum hilly area mein jana start ho jate hain, suppose, right? So we reach the height, the top of a mountain, which is at point B at a height H from the surface of earth. Now we feel some difference in our weight. All right. Or if we are carrying some pendulum clock, we see that it starts running slow there. Right. So that means G must be different there. Let us check whether that G is different or same. So for the first instant, let us take it to be different. Agar same aani hui to humari mathematically bhi same aa jayegi. So we will get to know. So at B point, in place of G, we'll write G dash. Gravitational constant remains same everywhere. It won't change. Mass of Earth will also not change, but distance has changed now. Now we are standing here. R distance from center of earth is R plus H now in place of R. So it will be square of that. In place of R, we have written R plus H. In place of G, we have written G dash. Now dividing 2 by 1. Dividing 2 by 1. G dash upon G is Gm upon r plus h square into r square over gn. Aise hi karte hai na, divide kar rahe hain to uska inverse karke usko multiply kar dete. So you can solve in your own way. Gm gets cancelled out and we get the formula. So this is giving us new g. If we know the old g, wo pata hi hame 9.8, we can find new g at that height. पर यहीं पे आके बंद नहीं कर देना. वी हैव टू कमेंट अपॉन कि वेदर दिस जी इज लेस देन प्रीवियस वैल्यू और मोर देन प्रीवियस वैल्यू. बिकॉज आवर क्वेश्चन वाज हाउ डज जी वेरी विद हाइट. सिर्फ मैथमेटिकल करके हम चुप नहीं हो जाएंगे, हम उसको कमेंट भी करेंगे. ये डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई. सो नाउ सी, आर स्क्वायर इज लेस देन आर प्लस एच स्क्वायर, है कि नहीं? How can you prove that r square is less than r plus h square? Who can prove that? Who can prove that r square is less than r plus h square? Because if you open r plus h square, that is r square plus h square plus 2rh. This is only r square. So, usme to itna kuch add ho raha hai, hai na?
सो सर्टेनली इफ दिस इज लेस देन दिस रेशियो में ऐसे ही होता है, दिस विल ऑल्सो बी लेस देन दिस. ठीक है, सो बिकॉज आर स्क्वेयर इज लेस देन दिस, देयर फोर जी डैश वुड बी लेस देन जी. So new acceleration due to gravity is smaller than the previous. So that means when we go above the surface of Earth, with height g decreases. So acceleration due to gravity decreases as we go above the surface of Earth. Laksh, is that clear? Okay, fine. Any doubt in this derivation? And before these winter vacations, we did some numericals कि weight कैसे change होगा अगर हम इतनी height पे जाएंगे. तो अगर if this equation is true for g, it will be true for weights also. If we multiply up and down with mass, तो ये new weight भी आप निकाल सकते हो यहाँ. ठीक है, you can also calculate weight at that height using this. You can also calculate weight at that height. Is that okay now? Yes. Next derivation करते हैं variation with depth now. ठीक है. Now we are standing again here on the surface of Earth. Now we dig a tunnel up to the center of Earth and we start going inside it. Right? तो अब हम यहाँ पे अंदर जाना start हो यहाँ. So we reached here, suppose at B point. What is our depth from the surface? हम note करते जा रहे हैं कि कितना नीचे गए हैं. So at that point, this is our depth. Depth is of course from the surface, right? What will be our distance from the center of Earth? If this is whole R, this much is D, so this is R minus D. Because we would always require R distance from the center of Earth. यहां पे भी जब हम गए थे हमने डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से लिया था. अब हम यहां पे पहुंचे हैं, अगेन वी विल टेक दिस मच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग इज द सेम दैट एट ए पॉइंट जी इज दिस. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस केस एंड दिस केस? इट इज दैट अर्लियर वी वर गोइंग थ्रू एयर हूज डेंसिटी इज यूनिटी ऑलमोस्ट 1.293 kg per meter cube. That is ignorable. इतनी ज्यादा नहीं है. But when we are going in interior of Earth, we come across so many rocks and heavy material of which Earth is composed of. So it is having a large density. Earth is having a great density that we can't ignore. We have to take into account that density as well. So first we have to modify this expression and express it in terms of density. ठीक है, अब मास है इसमें तो हम सोचते हैं कौन से फॉर्मूला डेंसिटी का यूज करेंगे. सो डेंसिटी ऑफ अर्थ इज मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट विल बी मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. एंड अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3 πr³ इनटू डी. ये हो गया मास. Is this step clear to you? We have written mass as volume into density. Volume is 4/3 πr³. So put this mass in equation number 1 here. Mass को क्या लिखेंगे? ये बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा. So put in 1. G, capital G over r square as such, into m के प्लेस में 4/3 πr³. डी नहीं, ये अभी जी है, अभी हम उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं. टू आर्स गेट कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विद ओनली 1. सो जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वी फाइंड 4/3 πgrd. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ दिस फॉर्मूला ऑफ जी वी विल यूज विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ. So we have taken into account the density. So right away, in place of starting from this expression, we start from this expression now on. ये नहीं करना कि जैसे height में r plus h square कर दिया था, अब r minus d square कर दो, काम खत्म. ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो formula भी proper नहीं था, depth के लिए proper नहीं था.
वी हैड टू टेक इन टू अकाउंट डेंसिटी एज वेल. ठीक है, सो नाउ वी कैन गो टू पॉइंट बी. सो एट पॉइंट बी इन प्लेस ऑफ जी वी राइट जी डैश. यहाँ पे जी कितनी है, जी डैश बी पॉइंट पे. ठीक है, 4/3 pi कैपिटल जी, सब कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे लिख देते हैं 4/3 pi g. आर इज डिफरेंट, आगे आर है, अब हमारा डिस्टेंस कितना है, आर माइनस डी. और कैपिटल डी डेंसिटी ऑफ अर्थ वो तो सेम ही है. सो दिस इज लेट्स कॉल इक्वेशन नंबर 3. तो देखिए ये जी था, इसी को देख देख के वी हैव रिटन जी डैश. सो देर आर जस्ट टू चेंजेस हियर, जी को जी डैश लिखा, आर को आर माइनस डी लिखा, बस. ठीक है, नाउ डिवाइड 3/2. जी डैश अपॉन जी 4/3 pi g आर माइनस डी इंटू डी ओवर 4/3 pi g r d. ये भी कट गया. सो जी डैश ओवर जी आर माइनस डी ओवर आर, उसको बेस सेपरेट कर सकते हैं क्या हम, आर माइनस डी ओवर आर के बेस सेपरेट करते हैं तो वी कैन राइट आर ओवर आर माइनस डी ओवर आर. इज द स्टेप क्लियर, क्लियर टू एवरीवन? अच्छा ये देखो इसमें क्या आया हमारे पास, आर माइनस डी ओवर आर आया ना. ठीक है, अब ये आर के अंडर भी आ रहा है और डी के अंडर भी आ रहा है. सो कैन बी सेपरेट आउट आर ओवर आर माइनस डी ओवर आर, बिकॉज इफ यू टेक एलसीएम यू विल गेट बैक द सेम थिंग ना. तो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. नाउ इज दैट क्लियर, राइट? चलिए अब आर ओवर आर क्या हो गया, वन. आर ओवर आर वन हो गया. सो जी डैश ओवर जी इज वन माइनस डी ओवर आर वी आर लेफ्ट विथ. This step is okay. अब ये g उधर ले जाओ because we want g dash. So g dash is 1 minus d over r into g. So this is new acceleration due to gravity. Formula तो निकाल लिया, it's okay, but we have to comment upon the result also. We have to comment upon the statement as well. पहले यहाँ तक देख लीजिए. All these steps are clear to you. If you need to ask, देखो अब आप कुछ भी skip नहीं कर सकते. जस्ट इतना सा सिलेबस है उसको अच्छी तरह से कर लो कि कोई भी लूप होल नहीं रहे. ठीक है, सो व्हाट इज योर सिलेबस फॉर द फाइनल टर्म, वर्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशन, 1.5 chapter, जस्ट सिर्फ 1.5 chapter. वर्क एनर्जी एंड पावर तो इकट्ठा ही है ना, वो तो उसके साथ ही है. यूनिट का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर. ठीक है, अभी हमने पावर डिस्कस की ना इलेक्ट्रिसिटी बिल में. ठीक है, नाउ वी विल कमेंट अपॉन, इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट यू विल गेट जी माइनस डी ओवर आर जी. इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट, जी में से कुछ माइनस हो रहा है, सो दैट मींस जी डैश इज लेस देन जी, सर्टनली इट इज जी माइनस समथिंग. अब जी में कुछ ऐड नहीं हो रहा, जी में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है. So from here we can comment upon the result. Always comment upon the result. क्योंकि आपको question ये पूछा गया था, how does g vary with depth? तो आप ये लिख के चुप कर गए, आप ये तो बताओ आगे कि ये increase हुई कि decrease हुई कि change नहीं हुई, what happened? So you will say yes, acceleration due to gravity decreases as we go down from the surface of earth. So acceleration due to gravity decreases with depth. It decreases with height also. That means where we are standing on the surface of earth, g is maximum. Whether we go up from the surface of earth or down from the surface of earth, g will decrease. Because if you see the basic formula itself, it is inversely proportional to square of distance. Ab wo distance upward direction mein bhi ho sakta hai, downward direction mein bhi ho sakta hai. To wo height bhi ho sakti hai, depth bhi ho sakti hai. Right? So g will decrease if distance will increase. So in both the cases g is decreasing, that's why. Is that fine? Okay, dekh lijiye ek bari derivation.
हैव अ लुक एट द फुल डेरिवेशन एंड इफ यू हैव एनी डाउट नाउ यू कैन आंसर. कई बार आप क्या करते हो, आप इधर वाला इक्वल टू डाल के लिखते रहते हो, यहां पे क्या है वो लिखते नहीं. सो कहीं पे जी है, कहीं पे जी डैश है, विल इट मेक एनी सेंस? नो. ठीक है, यू नीड नॉट क्रैम द थिंग्स, यू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड देन यू राइट एंड ऑलवेज डू रिटन प्रैक्टिस फॉर द डेरिवेशन इफ यू हैव हर्ड लाइक टूडे. ठीक है, दो दिन बाद भूल जाओगे, बट अगर आज आप घर जाके इसकी प्रैक्टिस करोगे, लिख के देखोगे, रिटन प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा. अगर आपने खुद से लिख के देखो, देन ड्यूरिंग एग्जाम्स और ड्यूरिंग टेस्ट व्हेन यू विल रिवाइज, आपको याद आ जाएगा, हाँ मैंने तभी ऐसे किया था. अब तो आपके पास कॉपी है, जहां पे आप रुके आप चेक कर सकते हो कि आई डिड दिस मिस्टेक, दैट्स व्हाई आई डिडंट अराइव एट दिस रिजल्ट. ठीक है, पेपर में तो कॉपी नहीं ना होगी आपके पास, अगर होगी तो क्या होगा, चीटिंग केस है ना. तो फिर अगर आप वहां पे तो कोई हेल्प ही नहीं आपके पास, आप छोड़ के आओगे, फिर मार्क्स विल गेट डिडक्टेड. सो यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जाम्स. ठीक है, कैसे आपने प्रिपेयर करना है, रिटन प्रैक्टिस, लाइक यू सेट विद अ कॉपी एंड अ पेन व्हाइल डूइंग मैथमेटिक्स, डू द सेम व्हाइल डूइंग फिजिक्स ऑल्सो. न्यूमेरिकल्स को पढ़ नहीं ना सकते आप, वो भी सॉल्व करने पड़ेंगे, डेरिवेशन फॉर्मूले भी लिख के देखने पड़ेंगे. सो ऑलवेज डू लाइक दैट, इज दैट क्लियर? चलिए, और कोई डाउट इसमें, टेस्ट में? आधे बच्चों ने तो किया ही नहीं है टेस्ट, और कईयों ने बहुत लेट भेजा, वो चेक नहीं होगा. उसकी डेरिवेशन वर्क एनर्जी में कितनी डेरिवेशन है, 4. वर्क एनर्जी एंड पावर में देर आर 4 डेरिवेशन. कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देर आर 4 डेरिवेशन. ठीक है, कल करते हैं हम रिवाइज, ये चारों कर लेंगे डेरिवेशन रिवाइज. आज आप ग्रेविटेशन की करिए, घर जाके लिख कर देखिए. ठीक है.